दोस्तों आज का ये वीडियो जो है उन सभी लोगों को हेल्प करेगा, चाहे वो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, चाहे वो अकाउंटेंट का जॉब करना चाहते हैं, उन सभी को हेल्प करेगा। अकाउंटेंट का जॉब चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, तो उन सबको कैसे, अगर अकाउंटेंट का जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अकाउंट से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो अकाउंट्स में आपकी कितनी बेसिक नॉलेज है, अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज होगा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स मालूम होंगे, तभी आपको वो हायर करेंगे रखेंगे। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप उसकी एंट्री उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से मैंने 11 लेक्चर सेलेक्ट किए हैं, और वो 11 लेक्चर में जो भी अकाउंटेंट के जॉब में इंटरव्यू में जो भी पूछे जाते हैं, उन हर तरह के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए छोटे छोटे लेक्चर में ही लेके आ रहा हूं मैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स के बारे में समझेंगे कि ये तीनों होते क्या है और इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि आज तक के जो आप अगर डेबिट और ये क्रेडिट के बारे में, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR क्यों होता है, हम इसके बारे में भी आज ही समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग का मतलब। ये अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब जैसे दोस्तों याद रखना कि बिजनेस, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ हमेशा याद करके नहीं रख सकता, वैसे एक बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन एक दिन में बहुत बार करता है, खरीदना बेचना उसका लगा रहता है, क्या वो सारे ट्रांजैक्शन को याद करके रख सकता है, नहीं रख सकता है, मेमोरी में वो सारा स्टोर करके नहीं रख सकता है, उसको एक जगह अगर वो रिकॉर्ड करेगा लिख लेगा तब जाके ही वो याद कर सकता है कि अगर हाँ ये देखना हो कि आज से 10 दिन पहले मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा, कितने का बेचा, किससे खरीदा, किसको बेचा, ये सारा जब ही उसको पता चल सकता है जब वो कहीं पे रिकॉर्ड किया हो। तो यानी कि अकाउंटिंग का स्टोरी जो है, कहानी शुरू होता है यहीं से। सबसे पहला होता है ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन। तो हम बात करते हैं, इसके टोटल 7 स्टेप है और ये 7 स्टेप का अगर मतलब समझ जाएंगे तो अकाउंटिंग मतलब समझ जाएंगे। क्योंकि अकाउंटिंग का सिर्फ एक डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि ये बीसी ऐसा कर दिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और वो 7 प्रोसेस होके ही गुजरता है। जैसे कि शुगर केन जो होता है वो पहले उगाया जाता है, उसके बाद उसको प्रोडक्शन चीनी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर गुड़ में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ता है, फैक्ट्री में वो सारा प्रोसेस होता है ना, तो ऐसे ही हम अकाउंटिंग का प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, दो लोगों के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में हो सकता है, एक बिजनेसमैन एक हाउस होल्ड हो सकता है, किसी भी दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन। और वो ट्रांजेक्शन का मतलब मालूम है क्या, मेजरमेंट, यानी ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड हो, यानी कि वो ट्रांजेक्शन वो दो लोगों के बीच में लेन देन जो है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। याद रखना हमेशा यहाँ पर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, जो मनी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट, मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब कितने मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ है, 100 रुपए का, 100 रुपए का, कितने रुपए का आपने ट्रांजेक्शन किए हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग। और ये रिकॉर्डिंग जो होता है, यानी ये शुरुआत होता है, जो मैंने बताया ना कि कोई भी बिजनेसमैन कोई चीज़ याद करके नहीं रख सकता, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, तो रिकॉर्ड जहाँ पे करता है, जिस बुक में रिकॉर्ड करता है, उस बुक को या तो जर्नल कहते हैं या फिर सब्सिडरी बुक कहते हैं, सब्सिडरी बुक कहते हैं। अब ये जर्नल और सब्सिडरी बुक, यानी कि ये दोनों में रिकॉर्ड किया जाता है या किसी एक में, दोनों में से किसी एक में। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो अपने डेली बेसिस पे जो होने वाले ट्रांजैक्शन हैं उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं, और जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन जो होते हैं उसको अपने जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको सब्सिडरीज बुक कहते हैं। सब्सिडरीज बुक में, इसमें आपका परचेज बुक हो सकता है, इसमें आपका सेल्स बुक हो सकता है, इसमें आपका परचेज रिटर्न बुक हो सकता है, इसमें आपका सेल्स रिटर्न बुक हो सकता है, और इसमें कैश बुक होगा, जो आपने कभी सुने होंगे कि कैश बुक होता है। और इन जो 5 में नहीं आता है उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो ये है आपका सब्सिडरी बुक, ये डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, बस मैंने बता दिया। आप रिकॉर्डिंग कर लियो तो उसको क्लासिफाइंग करने की जरूरत है,
क्लासिफाइंग यानी कि लेजर, यानी कि जो आपने एक जगह रिकॉर्ड कर दिए उसका अलग अलग बुक बनाना, यानी कि अगर आपने एक महीने में 100 लोगों से ट्रांजेक्शन किए उधार में तो 100 लोगों का अलग अलग बुक बनाना, आपने कैश में कितना सामान खरीदा या कितना बेचा उसके लिए अलग। अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ तो आपके सब्जेक्ट, मान के चलो आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो उसके 5 सब्जेक्ट है, कहीं अगर आप स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो क्या वो 5 सब्जेक्ट की डेली बुक नोटबुक लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं ना। क्या करते हैं आप, एक रफ नोटबुक लेके जाते हैं और उसको जो भी कॉलेज या स्कूल में कराए जाते हैं आप उसको उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं और घर पे आके वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड उन सारे सब्जेक्ट में अलग अलग करके नोट करते हैं ना, क्लासिफाइंग करते हैं ना, तो वही क्लासिफाइंग करना क्या होता है, लेजर कहलाता है। जर्नल या सब्सिडी के बाद क्या होता है, लेजर। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग में आपका सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, अगर मैं कंपनी की बात करूं यहाँ पे तो बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए समराइजिंग यानी कि जो हमने लेजर बनाया था उसके बाद हम समराइज एक जगह इकट्ठा करेंगे, जैसे एक समरी बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, उसके बाद कंपनी या फर्म जो होती है वो ये चेक करना चाहेगी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। और अगर कंपनी ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में ही बनाया जाता है, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी इसकी जगह क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये तीनों फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और उसके बाद क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका एनालिसिस तो करना पड़ेगा। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि इजी लैंग्वेज में दूसरे को समझाना कि आपने जो बिजनेस किया, देखो हमने ये बिजनेस किया है इससे हमारा ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट दूसरे को एक्सप्लेन करना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि दो इंसान ने बिजनेस किया, एक ने बोला कि मैंने ना 5 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 5 करोड़ रुपए का, और दूसरा कहता है कि मैंने ना 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और आप अगर ये देख के अगर ऐसा लगेगा अरे इसने तो 5 करोड़ कमा लिया है ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, पर अगर मैं बताऊं तो ये जो 5 करोड़ रुपए कमाया है वो कितने रुपए कमाया है बिजनेस में लगाने पे, 100 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाने पर, और इसने जो 1 करोड़ रुपए कमाया है इसने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बिजनेस, यानी कि इसने बिजनेस में सपोज 10 करोड़, 10 करोड़ बिजनेस में लगाया इसने, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ रुपए कमा लिया, और इसने 100 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 5 करोड़ कमाया, तो कैसे आप पता लगा पाओगे, कैसे किसी को समझाओगे कि भाई कैसे? तो यानी कि एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है कि यानी जो बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया पैसा उसका यहाँ पे कितना परसेंट है, 5% है, और यहाँ पे देखिए आप इसका कितना परसेंट है, 10% है ना। तो यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ रुपए यानी कि रिटर्न जो मिल रहा है वो 10% है, तो आप दूसरे को कैसे समझाएंगे कि देखो भाई अगर हम अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे ना तो 10% तो हम कमा ही लेंगे कम से कम, और यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है तो कितना परसेंट, 5%। तो ये एक समझाने का तरीका, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन, यानी आपने जो भी रिकॉर्डिंग बिजनेस किए हो उससे आपने क्या पाया एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके दूसरे को इंटरप्रेट करेंगे, एक इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। उसके बाद क्या आता है लास्ट, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यानी कि जो भी आपके यूजर, फाइनेंशियल यूजर हैं जो आपसे रिलेटेड, जैसे आपके डेटर क्रेडिटर हो गए, उन सभी को आपने जिससे बैंक से लोन लिए, इन सभी को आप अपना इन्फॉर्मेशन तो बताओगे ना कि देखो मैंने पूरे साल में बिजनेस किया, पूरे साल में मेरा ये इतना प्रॉफिट हुआ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ये बैलेंस शीट, इतना एसेट्स, इतना लायबिलिटी, सारा कुछ बताओगे। तो ये ही पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब एक कोई वर्ड नहीं है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। और अगर इसको डेफिनेशन, नॉर्मली आपका कभी भी इंटरव्यू में किसी भी चीज का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे उसका सिर्फ मतलब पूछेगा, और मतलब आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली जो होता है आज के डेट में भी हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, तो हिंदी में आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर फिर भी नॉलेज के लिए चाहते हैं कि सर इसका डेफिनेशन क्या है, इन 8-7 प्रोसेस को एक साथ जोड़ दो तो आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कमाल है, यानी इसी चीज को मैंने इसको लिख दिया, डेफिनेशन बन गया।
अब क्या है कि इसी को करने का एक रूल एंड रेगुलेशन, बिना रूल एंड रेगुलेशन का सोचो ना कि क्या पॉसिबल है कि बिना रूल्स के हम कुछ कर पाएंगे। आपने भी आज तक जो भी कुछ पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का भी कैलकुलेशन किया होगा, उसका एक रूल्स होगा, तो उसी तरह इसके भी कुछ रूल्स होने चाहिए। अब सोचो ना कि कोई रूल्स नहीं है, कोई एक फर्म जो है वो दूसरे तरह से रिकॉर्ड करती है, दूसरे फर्म जो है दूसरे तरह से, तीसरे तरह से, सब अपने अपने मर्जी से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो जब एक साथ सबका अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? अब वो जो अकाउंटेड होगा वो भी सर मारता रह जाएगा, माथा मारता रहेगा कि अरे यार ये क्या है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, उसने किया। कोई रूल ही नहीं है, तो इसका मतलब एक प्रॉपर रूल, एक स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए ना। तो वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कौन? जो प्रोवाइड करता है उसी को कहता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू डू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, कैसे करते हैं, कौन बताता है, ये अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक रूल्स का पिटारा है जिसमें सारे के सारे रूल्स उसमें बंधे हुए हैं। पिटारा खुलेगा तो रूल्स निकलेगा और उस रूल के बिहा पे ये सारे रिकॉर्डिंग किए जाएंगे। कमाल है। अब अगला है अकाउंट। ये अकाउंट बहुत अच्छा चीज़ है और हर जगह यूज होता है। और ये अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फरा लुका पेसियोली जो इटली के रहने वाले हैं, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया। क्या उन्होंने दिया? डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। मैं ये डेबिट और क्रेडिट बोल रहा हूँ, यानी कि डेबिट का मतलब दोस्तों ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बट एक्चुअल में ये आप इंग्लिश में, क्योंकि आप इंडिया में हैं तो ये इंग्लिश में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डेबिट क्रेडिट पढ़ाया जाता है। बट ये मैंने जैसे कि बताया कि फरा लुका पेसियोली जो कि इटली के रहने वाले हैं उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इटली का एक अपना लैंग्वेज है, इटली का इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो इटली का अपना एक लैंग्वेज है, इटालियन जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे डेबिट नहीं, वहाँ पे इसको पता क्या नाम से जाना गया था? डिबेरे। और क्रेडिट को क्रेडिट, मतलब ये कि एक्चुअल में जब ये इन्वेंट हुआ था तो ये डिबेरे और क्रेडिट था। तो डिबेरे को इंग्लिश में डेबिट बोला गया और क्रेडिट को क्रेडिट बोला गया इंग्लिश में। अब जब शॉर्ट फॉर्म बनाया गया इसका, कि इसका भी तो कोई शॉर्ट फॉर्म, ये इतना बड़ा डेबिट और क्रेडिट बार बार लिखने में मुश्किल होगा, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया जिसका नाम है DR और CR। अब ये मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रेडिट में तो सी आर है तो ठीक है, बट डेबिट में नहीं है। तो देखिए, ओरिजिनल जहाँ से इन्वेंट हुआ था उस डिबेरे में डी भी है और आर भी है। तो इसका मतलब अपने कंट्री यानी इटली का असर, अपना छाप छोड़ने के लिए उसने क्या कंडीशन रखा कि भाई इसका इंग्लिश में आप कुछ भी मीनिंग रख लो, इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड, पूरे ग्लोबलाइजेशन में, पूरे दुनिया में इसको डेबिट नाम से जानो, बट जब इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो हमारे बिहा पे बनाया जाएगा, ना कि आपके बिहा पे। तो इसीलिए इन्होंने अपना छाप छोड़वाया और डेबिट में DR अपने बिहा पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया, और क्रेडिट में यानी कि क्रेडिट क्रेडिट। तो ये लॉजिक है आपका डेबिट और क्रेडिट के शॉर्ट फॉर्म के पीछे। और अब हम अकाउंट की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि कोई भी ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, जैसे अगर मैं ये कहूँ मैंने ये पेन खरीदा स्टेशनरी वालों से, तो मैं उससे पेन खरीदा तो मेरे पास पेन आया और बदले में क्या गया? कैश गया। तो मैं अगर बात करूँ अकाउंट में कैश की, किसकी बात करूँ? कैश की। किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। अकाउंट एक पर्टिकुलर चीज, मैं अगर बात करूं कैश, तो बताइए कि कैश एक पर्टिकुलर थिंग है, वो मेरे पास से गया आया। अब वो गया आया उसका रूल क्या है वो हम बाद में सीखेंगे, बस ये समझते हैं कि या तो गया होगा या आया होगा, मेरे पास उसका तो एक ही इफेक्ट आएगा। तो एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखना अकाउंट कहलाता है। इस ये जो अकाउंट होता है हमेशा टी शेप का होता है, और लेफ्ट वाले साइड को डेबिट कहते हैं और राइट वाले साइड को क्रेडिट कहते हैं। यानी कि अगर सपोज मान लो कि मैंने कैश, मेरे पास अगर मैंने ये बेचा तो बेचने से मेरे पास कैश आया तो मान लेते कि कैश आया मतलब डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा, और अगर मेरे पास से कैश गया तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा। यानी कैश एक पर्टिकुलर थिंग्स है, उससे रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखना, जिस हेड में लिखते हैं उसको अकाउंट कहते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम और आपका ये डेबिट क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी और 10 वीडियो और है जो कि जिसमें छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी के लिए मैं आपका डेली एक वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे, आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, हमारी भी हेल्प कर पाएंगे, आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे जिनको उनकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।